हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो अपडेट हम आप लोगों को देने वाले हैं वो देने वाले हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से रिलेटेड। जी हां फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन के 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए यहां पे लिस्ट जो है बेल्ट्रॉन की तरफ से जारी कर दिया गया है। 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति जो है यहाँ पे राजस्व विभाग में होने वाली है। तो उनको जो राजस्व विभाग में क्या क्या काम करने होंगे, कैसे किस पोर्टल से उन लोगों को काम करने होंगे, ट्रेनिंग जो उन लोगों का होगा, ट्रेनिंग से पहले वो लोग खुद को किस तरह से तैयार करेंगे फाइनल एग्जाम से पहले, सारी प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या अपडेट्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और अगर आप लोगों की नियुक्ति जो है यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में होने वाली है, तो आप लोगों को सबसे पहले ये जानने बहुत ही ज़रूरी है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कौन कौन से काम करवाए जाते हैं और आप लोगों को कौन कौन से काम करने होंगे। इसके लिए आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर काम कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग और एग्जाम से पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंदर जितने भी होते हैं मैं उन सभी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जैसा कि आप लोग bihar.gov.in ये जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पर आप आ सकते हैं। ये पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से न्यू लॉन्च की गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है। फ्रेंड्स, आप लोग नीचे आएगा तो नीचे में यहाँ पे इससे पोर्टल से काम होने वाली सभी प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज के आवेदन करें। अगर आप लोग किसी भी ज़मीन का जो यहाँ पे आप लोगों के पास अगर कोई भी कस्टमर आते हैं और अगर आप लोगों को जो यहाँ पे बताएंगे कि हमें जो है अपने ज़मीन का दाखिल खारिज आवेदन करना है, तो आप लोगों को इसी पोर्टल से जो है ऑनलाइन आवेदन जो है दाखिल खारिज का करना होगा। सेकेंड नंबर पर अगर आप लोग जो है यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या आप लोगों के पास किसी भी ज़मीन का जो ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति चेक करना है, वो भी आप लोगों को इसी पोर्टल से करने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन LPC आवेदन करें, तो ऑनलाइन LPC आवेदन आप लोग भी इसी वेबसाइट से करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो राजस्व विभाग के अंदर जितने भी काम होने वाले हैं मैं आप लोगों को सभी प्रकार की अपडेट जो है यहाँ पे इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि LPC के आवेदन की स्थिति देखें, तो यहाँ पे अगर किसी भी काम का जो है अगर आप आवेदन करते हैं उसका आप लोगों को आवेदन की स्थिति भी इसी वेबसाइट से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आप जो है किसी भी आदमी के ज़मीन का जो यहाँ पे रसीद काटना चाहते हैं, ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। जैसा कि आप लोगों के पास जो है उसका सारा ब्यौरा रहेगा, चाहे वो दाखिल खारिज हो, नया आप लोगों को जो है यहाँ पे ज़मीन का जो है रसीद काटना है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो टॉपअप खुलते हैं, लंबित भुगतान करें और ऑनलाइन भुगतान करें। आप लोगों को इस पर सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो है आप लोगों को जिला का नाम, अंचल का नाम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को जिला का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों को अंचल का नाम सेलेक्ट करना है, आगे बढ़े पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को हल्का का नाम, यहाँ पे मौजा का नाम, यहाँ पे आप लोगों को पृष्ठ संख्या, यहाँ पे आप लोगों को भाग संख्या, उसके बाद आप लोगों को एक सुरक्षा कोड यहाँ पे दर्ज करना होगा और खोजे पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है भाग वर्तमान पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को जो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को जो ऑनलाइन लगान पेमेंट करने पे पूरा प्रोसेस वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आप लोगों को ऑनलाइन भुगतान करने का पूरा प्रोसेस का वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि आप लोगों को जो राजस्व विभाग के अंदर कौन कौन से काम करने हैं। तो उसके बाद आप लोगों को जो है किसी भी अगर ज़मीन में जो है त्रुटि है या उसके रसीद में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप उसका परिमार्जन कर सकते हैं। परिमार्जन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिंक दे दिया गया, आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो परिमार्जन करने का लिंक आप के सामने खुल जाएगा। अगर आप किसी भी जमीन का जमाबंदी देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जमा पंजी देखे पे तो आप लोगों को जो उस जमीन का किसके नाम के कौन से यानी कितने नंबर जमाबंदी का वो आप लोग देख सकते हैं। अपना खाता भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, चाहे वो नाम से हो, बहुत सारे ऐसे डिटेल्स हैं जिसके जरिए आप अपना खाता जो है खोल सकते हैं। भू मानचित्र अगर आप अपने ज़मीन का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो है इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का DCLR म्यूटेशन अपील कोड, अगर आप जो है इसके लिए
लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आप लोग इसी वेबसाइट से करेंगे। निबंधन के साथ दाखिल खारिज का प्रपत्र, उसके बाद आप लोग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कितने सारे जो है काम आप लोगों को इसी वेबसाइट के जरिए करने होंगे। अगर आप लोगों को जो है ये सब काम करने के लिए अभी तक कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को मैं वीडियो जो है बारी बारी करके सभी चीज़ें का आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए और इससे रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो है इस पर वीडियो ला सकें और आप लोगों को सभी प्रकार की जानकारी एग्जाम और ट्रेनिंग से पहले दे सकें, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होने के बाद आप लोग जो है किसी भी भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो है अच्छे से काम कर सके। सो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर आप लोगों को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन जरूर करें, ताकि आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से भी इसी प्रकार के अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।